आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया गया है जिसका मास हमें मालूम है और लेंथ हमें पता है, ठीक है। अब इस रॉड को एक पॉइंट ओ, जो आप फिगर में देख सकते हैं, उसके थ्रू पास होने वाले एक्सिस के बाद इसको रोटेट हम करा रहे हैं, तो हमें बताना है कि इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो ओमेगा हमारा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में है, एक्सिस हमारी ये रही, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो डायरेक्टली हम आई ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई लिखने के लिए आप देखो तो इस रॉड को हम दो अलग अलग रॉड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक रॉड ये लेफ्ट साइड में जो एल लेंथ का है वो, और एक रॉड जो दूसरे साइड में 2L लेंथ का है, ठीक है। ये इस एक ही रॉड को हम दो रॉड में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले रॉड का अगर निकालें, ठीक है, तो पहले रॉड का मास सपोज M1 मानते हैं, ठीक है। तो हमें अगर इस रॉड के बीचों बीच एक एक्सिस जाता है सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का हम क्या लिखते हैं, एम वन मास ऑफ रॉड जो कि एल है स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट आई अबाउट दिस एक्सिस एम वन एल स्क्वायर बाई 12 प्लस अगर ये एक्स है तो एम एक्स स्क्वायर, और इस केस में एम वन ये हम बाद में देखेंगे कितना है, 12 प्लस एम एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है एल बाई 2, तो एम वन एल बाई 2 स्क्वायर ये फाइनली कितना आ गया, एम वन एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब एम वन कितना होगा, तो आप देखो ये मास एम जो है वो 3L में बटा है और यूनिफॉर्म रॉड है, तो यानी 3L का मास M है, तो L का मास क्या होगा M बाई 3, तो M1 क्या होगा M बाई 3, तो ML स्क्वायर बाई 9 इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। अब दूसरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो ये 2L हो गया, इसका मास क्या हो जाएगा M माइनस M बाई 3 यानी 2M बाई 3, ठीक है। इसका लेंथ 2L है और इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो हमें पता है, वो क्या होती है 2m बाई 3 जो कि मास हो गया L स्क्वायर 2L स्क्वायर यानी कि और बाई 12, ये क्या हो गया 2 × 4L स्क्वायर, ये हो गया 8ml स्क्वायर बाई 36, ये हमारा हो गया 2ml स्क्वायर बाई 9। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसके अबाउट ये 2ml स्क्वायर बाई 9 प्लस मास 2m बाई 3 इंटू ये लेंथ का स्क्वायर जो कि L है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर बाई 9 प्लस 2ml स्क्वायर बाई 3, ये क्या आ गया 8ml स्क्वायर बाई 9। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई ऑफ रॉड 1 प्लस आई ऑफ रॉड 2, वो कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 9 प्लस 8ml स्क्वायर बाई 9, ये कितना हो गया ml स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा था, तो एम एल स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।